गुजरात के रामगंगा बिहार क्षेत्र में कल भाजपा के नामित पार्षदों द्वारा निकाले गए विजय जुलूस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन मामले में सिविल लाइन पुलिस ने दो नामित पार्षदों सहित कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल मुरादाबाद नगर निगम में 10 नामित पार्षदों के लिए मेयर कार्यालय में कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया था, जिसके बाद सिविल लाइन क्षेत्र के नवीन नगर और रामगंगा बिहार में कुछ नामित पार्षदों ने बिना परमिशन की विजय जुलूस निकालते हुए कोरोना महामारी नियमों की धज्जियां उड़ाई है। सिर्फ यही नहीं, पूरे इलाके में ढोल के साथ घूमकर सोशल डिस्टेंसिंग को भी दरकिनार कर दिया था। इसकी वीडियो सामने आने पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने दो नामित पार्षदों सहित कई अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। इस मामले में जानकारी देते हुए सीओ सिविल लाइन दीपक भूकर ने बताया कि वीडियो के आधार पर और लोगों की भी पहचान की जा रही है। बीजेपी की कुछ पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, सेलिब्रेशन कर रहे थे जुलूस निकालने। ये रामगंगा विहार में जो चौकी क्षेत्र है थाना सिविल लाइन के अंतर्गत, वहाँ पे कल दो नामित पार्षद थे, उन्होंने कोई विजय जुलूस निकाला था जिसमें कुछ लोग शामिल हुए थे और वो ढोल बजाते हुए जा रहे थे। इसकी वीडियो प्राप्त हुई, इसकी जाँच चौकी के बाद दी गई, जिसके बेसिस पे सिविल लाइन थाना अंतर्गत इसमें FIR दर्ज की गई है। बाकी वीडियो में एनालिसिस किया जा रहा है, जैसे फैक्ट सामने आएंगे वैसे कार्रवाई की। सर कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? अभी इसमें दो तो जो नामित पार्षद हैं उनके खिलाफ किया गया है, बाकी अज्ञात में हुए हैं। वीडियो से जो आइडेंटिफाई होंगे बाकी उनको भी विवेचना में शामिल किया। सर अभी कुछ नंबर ऑफ पीपल इसमें वो है अभी इन्वेस्टिगेशन में है? ये अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जितने लोग उसमें शामिल हुए थे वीडियो से और अन्य जो फुटेज मिलेंगे CCTV फुटेज उनसे एनालाइज करके बाकी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू।